हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सनी। आप देख रहे हैं पासी चैंप और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बाईपैप के बारे में कि बाईपैप क्या होता है, ये काम कैसे करता है, किन पेशेंट्स को बाईपैप लगता है, बाईपैप लगाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और बाईपैप लगाने के बाद किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और ऐसी कौन सी पेशेंट की कंडीशन है जिस पर पेशेंट को वेंटिलेटर पर भी लेना पड़ सकता है अगर आपने पेशेंट को बाईपैप लगाया हुआ है। और गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो मैंने 8 जनवरी को रिकॉर्ड कर ली थी, जो बाईपैप को अनलॉक करने की वीडियो है। मैंने इस वीडियो में बाईपैप को अनलॉक भी किया है, लेकिन बाईपैप के बारे में डिटेल में जानकारी देते देते मेरे को इतना टाइम लग गया वीडियो बनाने में कि आज 13 फरवरी तारीख है। और ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ऑफकोर्स आप बाईपैप के बारे में जानना चाहते हैं। तो गाइस, बस मैं आपको यही सुजेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और बाईपैप को अनलॉक करने पर जो बाईपैप का शुरू का फंक्शन है, उस वहाँ से लेके लास्ट तक के हर फंक्शन के बारे में मैंने बाईपैप के बारे में बताया है। साथ ही बाईपैप से रिलेटेड एक सीपैप होता है, उसके बारे में मैंने बताया है कि सीपैप भी क्या होता है। तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो हो सकती है अगर आप बाईपैप के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं। तो वीडियो शुरू कर लेते हैं। पहले आप सीपैप को जान लीजिए, सीपैप एक्चुअल होता क्या है। सीपैप एक तरह का वेंटिलेटर है, सेम एज़ बाईपैप। और वेंटिलेटर क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जब पेशेंट कोमा में होता है, मान लीजिए अगर पेशेंट की दिल की धड़कन चल रही है और पेशेंट सांस नहीं ले रहा, तो पेशेंट को वेंटिलेटर पर डालते हैं। वेंटिलेटर को सिंपल भाषा में सांस की बड़ी मशीन भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि वेंटिलेटर पर पेशेंट आ गया तो उसे आर्टिफिशियल सांस देते हैं, लेकिन एक कंडीशन होती है कि पेशेंट का जो दिल है वो सही ढंग से काम करना चाहिए। ओके, तो वेंटिलेटर, अब मैंने आपको बता दिया कि वेंटिलेटर होता क्या है। अब सीपैप भी वेंटिलेटर की तरह ही होता है, लेकिन सीपैप पर पेशेंट वो होती हैं जो सांस लेते हैं, खुद का उनका सांस होता है, लेकिन उनकी जो लंग्स की कैपेसिटी होती है, जो उनके फेफड़ों का जो फंक्शन होता है वो प्रॉपरली काम नहीं करता। उन्हें फेफड़ों से रिलेटेड, लंग्स से रिलेटेड कोई डिजीज़ होती है जिससे वो प्रॉपरली ऑक्सीजन को बना नहीं पाते, ब्लड स्ट्रीम में उनकी ऑक्सीजन प्रॉपरली होती नहीं है, या कुछ भी कोई भी दिक्कत हो सकती है फेफड़ों से रिलेटेड, लंग से रिलेटेड डिजीज़ कुछ भी हो सकती है। तो सीपैप क्या होता है? सीपैप कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। अगर मैं इसको हिंदी में बात करूँ, इसको हिंदी में कन्वर्ट करूँ, तो सीपैप का मतलब है कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। हिंदी में बात करें तो कंटिन्यूस लगातार, पॉजिटिव बढ़ना या जमा होना, एयरवे हवा, प्रेशर दबाव, ऐसा प्रेशर जो लगातार बढ़ता हुआ बना हुआ है। अब आप सपोज करें कि हमने पानी का एक नल चला दिया, या हमारे घर में टूटियां होती हैं, या पानी का नल होता है किचन में, बाथरूम में, और हम टूटी को ऐसे खोलते हैं और वो एक ही प्रेशर से पानी गिरता है। सेम सीपैप भी ऐसे ही करता है, उसके अंदर भी प्रेशर सेटिंग होती है। सपोज करें 10, 11, 12, 13, 14, 15, जितना भाई डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है उसके हिसाब से ही सीपैप की प्रेशर सेटिंग होती है, और उसी प्रेशर के हिसाब से वो सीपैप पेशेंट के अंदर हवा को ट्रिगर करता है, हवा को अंदर डालता है। अब हवा को अंदर डालने के लिए भी दो चीज़ें होती हैं। अगर पेशेंट वेंटिलेटर पर है और वेंटिलेटर से वो ठीक हो गया है, तो वेंटिलेटर को एकदम से ऑफ नहीं करते, वेंटिलेटर को बंद नहीं करते, पहले पेशेंट को वेंटिलेटर पर तो रखा ही होता है, उसके बाद धीरे धीरे ऑक्सीजन उसकी घटती है, FiO2 घटाते हैं वेंटिलेटर से, फिर अगर वो पेशेंट स्टेबल रहता है तो उसके बाद सीपैप पर लेते हैं। तो ये सब होता है एंडोट्रैकिया, ईटी ट्यूब डालकर। ईटी ट्यूब क्या होती है? मुंह से एक ट्यूब होती है जो ट्रैकिया तक जाती है, और उसी ट्यूब के साथ वेंटिलेटर कनेक्ट होता है। और वेंटिलेटर का जो मोड होता है, अब मैं इसको डिटेल में नहीं बताना चाहता, आप ये समझ लीजिए कि वेंटिलेटर के अंदर ही सीपैप मोड भी होता है, लेकिन बाईपैप मोड नहीं होता। बाईपैप को आपको अलग से परचेज करना पड़ता है, और बाईपैप के अंदर भी सीपैप मोड होता है जो मैंने इस वीडियो में बताया है।
तो मैं आपको बस यही बताना चाहता हूँ कि वेंटिलेटर से पेशेंट एकदम से नहीं हटता, पहले वेंटिलेटर से ऑक्सीजन का लेवल धीरे धीरे घटाते हैं, फिर अगर पेशेंट स्टेबल हो जाता है तो सीपैप मोड पर लेते हैं, फिर पेशेंट को जो अंदर ट्यूब डाली होती है वो बाहर निकाल देते हैं और पेशेंट ठीक हो जाता है। अब आपको सीपैप का पता लग गया कि प्रेशर क्या होता है, कि लगातार प्रेशर बना होता है। अब वो जो प्रेशर अंदर जा रहा है वो एक्चुअल करता क्या है, कई पेशेंट्स होते हैं जिनको सांस लेने में दिक्कत आती है, जो उनका एयरवे एयर पाथ होता है, एयरवे होता है, हवा जाने का रास्ता होता है, वो किसी वजह से बंद हो जाता है, वो ब्लॉक हो जाता है और पेशेंट को प्रॉपरली सांस नहीं आता। तो सीपैप लगाने के बाद क्या होता है कि वो कंटिन्यूस लगातार एक प्रेशर बनाए रखता है और जो उनका हवा वाला रास्ता है वो कभी बंद नहीं होता, वो हमेशा खुला रहेगा, पेशेंट सांस ले चाहे ना ले, क्योंकि वो लगातार कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर है, लगातार प्रेशर बना हुआ है। तो सीपैप का काम सिर्फ यही है कि जो हवा वाला रास्ता है, वाइंड पैप है या एयर पाथ बोल लीजिए आप या एयरवे बोल लीजिए, उसको हमेशा खोले रखेगा। ओके, तो अब आप सीपैप का समझ चुके हैं कि सीपैप एक्चुअली होता क्या है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि बाईपैप क्या होता है। बाई का मतलब होता है दो, पैप सीपैप की तरह ही है, पी से पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, तो बाई का मतलब हो गया दो, पॉजिटिव जमा या बढ़ता हुआ एयरवे प्रेशर। अब एयरवे प्रेशर ऐसे जो दो हैं, दो तरह के प्रेशर होते हैं बाईपैप में, बढ़ते हुए ऐसे प्रेशर जो दो तरह के होते हैं। अब इसमें दो प्रेशर कौन से होते हैं, पहला प्रेशर होता है आई पैप और दूसरा प्रेशर होता है ई पैप। तो आई पैप और ई पैप में फ़र्क क्या होता है आपको मैं बता देता हूँ कि आई पैप जो होता है वो मैक्सिमम प्रेशर होता है जब पेशेंट सांस लेता है, तो बाईपैप जो है सांस जब पेशेंट लेगा तो उसको सांस को मैक्सिमम ट्रिगर करेगा, अंदर छोड़ेगा। जैसे सपोज करें कि डॉक्टर ने लिख के दे दिया कि आई पैप है 18 और ई पैप है 10, तो पेशेंट जब सांस लेगा तो वो 18 प्रेशर से हवा को ट्रिगर करेगा जब पेशेंट सांस लेगा, और ई पैप 10 है, इसका मतलब ये है कि जब पेशेंट सांस लेगा तो वो प्रेशर। सीपैप में तो क्या है कि एक ही प्रेशर रहता है, अब डॉक्टर ने लिख दिया 18 प्रेशर पर सीपैप चलाना है, तो वो 18 प्रेशर से ही सीपैप को चलाए रखेगा, पेशेंट सांस ले चाहे छोड़े उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बाईपैप में क्या होता है, पेशेंट ने सांस ली, 18 प्रेशर उसने डाला, अब जो बाईपैप का सेंसर है वो डिटेक्ट करेगा कि पेशेंट कब सांस छोड़ेगा बाहर, और जब वो छोड़ेगा तो वो जो प्रेशर है 18 वाला वो 10 पर आ जाएगा और पेशेंट कंफर्टेबली सांस को छोड़ सकेगा। लेकिन सीपैप में ऐसा नहीं होता, पेशेंट चाहे सांस ले चाहे ना ले उसे कुछ नहीं है, उसने सिर्फ प्रेशर बना के रखना है ताकि एयरवे ब्लॉक ना हो, उसने प्रेशर बना के रखना है। लेकिन बाईपैप में क्या है कि वो प्रेशर घट जाएगा ताकि पेशेंट कंफर्टेबली सांस को ले सके। किन पेशेंट्स को अब बाईपैप लगता है तो मैं आपको बता दूं कि बाईपैप को सिंपल भाषा में बाईपैप उन पेशेंट्स को लगता है जिनको वेंटिलेटर पर लेना ना पड़े, क्योंकि बाईपैप एक तरह का वेंटिलेटर ही है। अगर पेशेंट को रिक्वायरमेंट है वेंटिलेटर की तो वेंटिलेटर लगता है। अगर पेशेंट का खुद का सांस है, उसको ऑक्सीजन नहीं पूरा हो रहा, उसका SpO2 या सैचुरेशन लेवल अगर कम आ रहा है, या पेशेंट का सांस रुक रहा है किसी वजह से, जिसे स्लिप एपनिया भी बोलते हैं, ऐसे तो बहुत सारे डिजीज़ हैं, ठीक है। तो मैं आपको डिजीज़ के बारे में नहीं बता रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर फेफड़ों से रिलेटेड कोई भी, फेफड़ों से संबंधित पेशेंट को कोई भी बीमारी है, उनको बाईपैप लगता है ताकि जब पेशेंट को बाईपैप लगा हुआ है तो उसका जो ऑक्सीजन लेवल है वो बना रहे। अब बाईपैप किन किन पेशेंट्स को लगता है, तो बाईपैप COPD, पल्मोनरी डिजीज़ और स्लीप एपनिया के पेशेंट्स को बाईपैप खास तौर पर लगता है। बाईपैप को खास तौर पर स्लीप एपनिया डिजीज़ को ठीक करने के लिए यूज़ करते हैं। अब स्लीप एपनिया क्या होता है, ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें पेशेंट सोते टाइम सांस नहीं लेता, या जो सांस का इंटरवल है, जो उसका सांस का गैप है, वो काफ़ी टाइम तक बढ़ जाता है। तो इस कंडीशन में पेशेंट को स्ट्रोक आ सकता है या किसी तरह का दौरा आ सकता है, इस चीज़ को ठीक करने के लिए पेशेंट को बाईपैप लगाते हैं। और स्लीप एपनिया को ठीक करने के लिए सीपैप का भी यूज़ होता है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि सीपैप में क्या दिक्कत होती है, पेशेंट कंफर्टेबली सांस नहीं छोड़ पाता, सांस तो ले लेगा लेकिन छोड़ नहीं पाता है। अब बाईपैप लगाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए,
तो बाईपैप लगाने से पहले अगर पेशेंट को एब्डोमिनल कोई इंजरी है या फिर उसकी सर्जरी हुई है तो उस टाइम बाईपैप कभी नहीं लगेगा। अगर पेशेंट का खुद का सांस नहीं है उस टाइम भी पेशेंट को बाईपैप नहीं लगाना चाहिए। अगर पेशेंट को मुंह से रिलेटेड कोई सर्जरी हुई है या फिर कुछ भी हुआ है तो भी पेशेंट को बाईपैप नहीं लगेगा। बाईपैप लगाने के बाद किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अगर पेशेंट ने खाना खाया है तो कभी भी बाईपैप नहीं लगाना चाहिए। अगर पेशेंट ने खाना खाया है तो बाईपैप लगाने के बाद एस्पिरेट करने के चांस पेशेंट के बढ़ जाते हैं। अब एस्पिरेट का मतलब क्या हुआ कि पेशेंट ने खाना खाया और बाईपैप का जो मास्क है वो पूरा मुंह तक कवर रहता है, तो ये नहीं है कि जो बाईपैप है वो एयरवे को खोले रखेगा, कुछ ना कुछ हवा तो पेट तक भी जाती है। अब वो हवा जो ट्रिगर करता है आईपैप से वो पूरा प्रेशर पेट तक जाएगा और जो खाना है वो रिफ्लेक्स होकर मुंह तक आएगा। अगर हमने खाना खाने के बाद बाईपैप लगाया तो हो सकता है कि पेशेंट का जो खाना है वो वाइंड पाइप में चला जाए और पेशेंट का खाना वाइंड पाइप से लंग्स में चला जाए, तो ऐसे में काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन हो सकती है। तो कभी भी पेशेंट को बाईपैप खाना खाने के तुरंत बाद नहीं लगाना चाहिए। बाईपैप लगाने के बाद किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो बाईपैप लगाने के बाद अगर पेशेंट की सैचुरेशन ऑक्सीजन लेवल उसका कम आ रहा है तो साथ में ऑक्सीजन को अटैच करना पड़ सकता है, तो हमें बारी बारी देखना पड़ता है कि बाईपैप लगाने के बाद पेशेंट का सैचुरेशन लेवल कितना है। बाईपैप लगाने के बाद ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पेशेंट का जो मास्क है वो अच्छे से फिट रहे ताकि जो आई पैप का प्रेशर है और ई पैप का प्रेशर है वो बना रहे, लीक ना हो। और इस वीडियो में मैंने ये भी बताया है कि आप पेशेंट को बिना पूछे कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि कहीं से हवा लीक तो नहीं हो रही बिना पेशेंट से पूछे, और बिना आप कहीं से भी हाथ उत लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप सीधा ही बाईपैप में देख सकते हैं कि कहीं से लीक हो रही है कि नहीं, ये भी ऑप्शन बाईपैप में दिखता है। तो आपको मैंने अब बता दिया कि बाईपैप होता क्या है, सीपैप क्या होता है और किस कंडीशन में बाईपैप लगता है, किस कंडीशन में बाईपैप नहीं लगता, बाईपैप लगाने के बाद किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। अब कई लोगों ने मुझसे ये भी बाईपैप के बारे में सवाल पूछा था कि जिन पेशेंट को ट्रकियोस्टमी लगी होती है क्या उन पेशेंट्स को बाईपैप लगा सकते हैं। ट्रकियोस्टमी अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि वेंटिलेटर पर क्या होता है कि एक ट्यूब होती है वो नाक से या मुँह से ट्रैकिया तक डालते हैं, लेकिन ट्रकियोस्टमी में यहाँ पर होल करके यहाँ से एक ट्यूब डालते हैं जो ट्रैकिया तक जाती है और उसको ट्रकियोस्टमी बोलते हैं। आप गूगल कर लेना, आपको पता लग जाएगा कि ट्रकियोस्टमी होती क्या है। तो कई लोगों ने मुझसे पूछा कि बाईपैप को क्या ट्रकियोस्टमी के साथ अटैच कर सकते हैं, तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि हाँ, बाईपैप को ट्रकियोस्टमी के साथ लगा सकते हैं। कई लोगों ने मुझसे ये भी पूछा कि हम लोग सो जाते हैं या पेशेंट को बाईपैप लगा हुआ है तो क्या बाईपैप में कोई ऐसी सेटिंग होती है जिससे पता लग सके कि बाईपैप हट चुका है या कोई अलार्म वगैरह उस बाईपैप में सेट कर सकते हैं? तो नहीं, ऐसा बाईपैप में अभी तक तो ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप जो लीक वाला ऑप्शन है उससे आप पता कर सकते हैं कि बाईपैप कहीं से लीक हो रहा है कि नहीं, लेकिन हम ये बिल्कुल पता नहीं कर सकते कि मास्क हटा है या नहीं। और इसको दूर करने के लिए आप पल्स ऑक्सीमीटर या कोई ऐसी डिवाइस जिसमें अलार्म काफ़ी तेज़ तक बजे वो यूज़ कर सकते हैं। तो आप पल्स ऑक्सीमीटर ऐसे काफ़ी सारे आते हैं जिसमें अलार्म की सेटिंग होती है, अगर SpO2 90 से नीचे या उसमें सेटिंग आप कर लीजिएगा जितना आपको SpO2 लेवल मेंटेन रखना है, 92 तक रखना है, अगर 92 से नीचे आता है तो उसमें अलार्म बजने लगता है, तो आप पल्स ऑक्सीमीटर का यूज़ कर सकते हैं एज ए अलार्म के लिए। कई लोगों को बाईपैप पहनने के बाद यहाँ पर निशान पड़ जाते हैं, यहाँ निशान पड़ जाते हैं, तो उस चीज़ को दूर करने के लिए आप यहाँ पर गोज पीस रख सकते हैं। और हम लोग ICU में भी पेशेंट को बाईपैप लगाने से पहले यहाँ पर गोज पीस लगाते हैं ताकि जो यहाँ का प्रेशर है वो कम से कम पड़े और पेशेंट को कम से कम दर्द हो, क्योंकि सारी रात पेशेंट को बाईपैप लगाने पर ऑफकोर्स दर्द तो होता ही है और निशान भी पड़ जाता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया है कि
बाइपैप को, जो बाइपैप का मास्क है वो कैसे लगता है, और बाइपैप की हर चीज़ को मैंने इस वीडियो में डिटेल में बताया है, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए अब बाइपैप के बारे में भी जान लेते हैं कि बाइपैप को अनलॉक कैसे करना है, और मैं उनके फंक्शन के बारे में बता देता हूँ। तो वीडियो को अब शुरू कर लेते हैं, एक्चुअल जो वीडियो मैंने बनाई थी उसके बारे में। लेकिन गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि इतना टाइम लगता है वीडियो को बनाने में, उसको एडिट करने में, तो प्लीज़ ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो मेरा टारगेट है 10,000 सब्सक्राइबर को पूरा करने का, उसमें मुझे हेल्प मिल सके। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स डाइव इनटू इट। तो गाइस, बाइपैप को ऑपरेट करने से पहले और बाइपैप को अनलॉक करने से पहले आपको बाइपैप के बारे में कुछ बेसिक बातें तो पता होनी ही चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये बातें मैं फटाफट बता सकूं। तो चलिए पहले हम बाइपैप के बारे में कुछ बेसिक बातें जो इम्पोर्टेंट हैं काफ़ी, वो पता कर लेते हैं। तो ये आज का हमारा बाइपैप है, डेविल ब्लिस कंपनी का ये बाइपैप है, जिसे आज हम लोग ऑपरेट भी करेंगे और साथ में इसको अनलॉक भी करेंगे। तो गाइस, इस की को बोलते हैं ऑन ऑफ की, और ये है हमारा एलसीडी डिस्प्ले, ये है नेक्स्ट आइटम की, ये है प्रीवियस आइटम की, ये है इंक्रीज वैल्यू की, और ये है डिक्रीज वैल्यू की, ये है डिले बटन, और गाइस ये है हीटर पावर एलईडी। ये ऑप्शनल यूज़ होता है जब ह्यूमिडिफिकेशन इसके साथ बाइपैप के साथ अटैच होती है। तो ये बाइपैप का नाम है और बाकी सारी डिटेल है जिसे आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये हीटर पावर कनेक्टर, और ये है एयर सप्लाई पोर्ट, ये भी ह्यूमिडिफिकेशन के लिए यूज़ होती है, ये पीछे का हिस्सा है इसका। तो गाइस अब पता कर लेते हैं, ये डीसी पावर कनेक्टर होता है, इसके अंदर प्लग लगता है। ये है एसी पावर कनेक्टर, और जो बाइपैप का कनेक्ट है वो इसी के साथ ही कनेक्ट होएगा। ये है एयर फिल्टर, और इसके बारे में आपको पूरे का पूरा बताऊंगा प्रोसीजर, क्योंकि इसको साफ़ रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। ये है डाटा पोर्ट, और ये है एयर सप्लाई पोर्ट, ये है पीछे का हिस्सा, वो बॉटम का था, ये है पीछे का हिस्सा, और यहीं पे होस पाइप भी लगेगी, और मैं आपको लगा के भी दिखाऊंगा इसमें कि होस पाइप कैसे लगती है। ओके गाइस, तो चलिए अब एयर फिल्टर के बारे में भी जान लेते हैं कि एयर फिल्टर को आपको रेगुलर तो नहीं, मतलब तीसरे दिन तो आपको ज़रूरी साफ़ करना होता है, क्योंकि यहीं से जो हवा है वो बाइपैप के अंदर जाती है और फिर पेशेंट उसको इनहेल करता है। और ये है ह्यूमिडिफिकेशन के लिए, ये होस पाइप यहाँ से कनेक्ट होता है। ओके, तो ये है हीट पावर पोर्ट जो ह्यूमिडिफिकेशन के लिए यूज़ होता है, इसका यहीं से पोर्ट को कनेक्ट करते हैं। ओके, तो अब ये सब बातें थी कुछ जो आपको जाननी ज़रूरी थी बाइपैप के बारे में इसको ऑपरेट करने से पहले। तो चलिए अब बाइपैप को मैं आपको बता देता हूँ आगे इसको ऑन करके और इसको अनलॉक कैसे करना है। तो गाइस, ये है इसकी पावर केबल, और आप देख सकते हैं ये है एसी पावर प्लग जो बाइपैप के साथ कनेक्ट होगा, और दूसरे वाला हिस्सा है ये प्लग जो है ये सॉकेट में जाएगा बिजली वाले में। तो ये मैं अटैच कर देता हूँ, और अब बाइपैप को हम लोग ऑन कर लेते हैं। देखिए वेलकम आ गया है इसमें, और अभी ये ऑन ऑफ पड़ा है, तो इसको ऑन करने के लिए पहले ऑन ऑफ की को दबाएंगे ताकि ये ऑन हो जाए। ओके, तो गाइस अब ये देख लीजिए, अब बाइपैप हो चुका है शुरू, और पी और एस आ रहा है। तो पी का मतलब होता है प्रेशर, एसएस आगे वाला पॉइंट है, इसे बोलते हैं ट्रिगर सोर्स जो स्पॉन्टेनियस और टाइम्ड के बेस पर होता है। आरआर का मतलब होता है रेस्पिरेटरी रेट, और आईई ये रेशो होता है। ओके, तो एलके का मतलब होता है लीक, एसएस का मतलब वही ट्रिगर सोर्स होता है स्पॉन्टेनियस और टाइम्ड। ईवी का मतलब होता है इवेंट मार्कर्स, एमवी का मतलब होता है मिनट वॉल्यूम, और वीटी का मतलब होता है टाइडल वॉल्यूम। ओके,
तो अगर बाइपैप कहीं से लीक हो रहा है तो उसका हमें पता कैसे लगेगा? तो कुछ नहीं करना, इसी फंक्शन पर आना है और देखना है कि इसकी वैल्यू बढ़ रही है या नहीं। जैसे अब ये 2 पर है, लीक एल के 2 पर है। अब मैंने इसको हवा ये पास हो रही है, देखिए मैंने पहले उसको लॉक किया दबाया हुआ था। अब ये देखिए लीक की जो वैल्यू थी वो इंक्रीज़ हो गई। अब मैंने दोबारा उसके जो हवा निकल रही थी उसको रोक दिया है, तो ये धीरे धीरे सही हो जाएगा। आई पैप इंस्पिरेटरी पॉजिटिव एयरवे प्रेशर इसकी फुल फॉर्म है, और ये अभी 16 पर सेट किया हुआ है। तो अनलॉक मोड पर इसको भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। आगे आ जाता है हमारा ई पैप, जिसे बोलते हैं एक्सपिरेटरी पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, और ये हमारा 8 पर सेट किया हुआ है। तो कुल मिला के कहूँ तो डॉक्टर ने जितना हमें एडवाइस किया हुआ है उसी के हिसाब से हमें चलना है। और गाइस, डिले बटन डिले टाइम सॉरी, तो डिले टाइम का मतलब ये है कि जब आप डिले टाइम करेंगे तो उतने मिनट के बाद ही ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा, और कितने प्रेशर पे होगा ये डिले प्रेशर बताता है। तो डिले टाइम के टाइम कितना प्रेशर होना चाहिए वो ये यहाँ से सेट होगा। अब ये देखिए, अब 4 पर इसका प्रेशर सेट है, मतलब 4 प्रेशर के साथ ये एयर वे को खोल कर रखेगा। ठीक है, तो आगे आ जाता है हमारा आई पैप राउंडिंग। अब इसका मतलब क्या होता है कि आई पैप से ई पैप जाते टाइम ये कितनी मिली सेकेंड में चेंज हो, तो ये इसकी वैल्यू 3 है और ये 0 से 5 तक सेट हो सकता है। आगे ई पैप राउंडिंग, ये भी हमारा 3 पर सेट है, मतलब ई पैप से आई पैप पर जाते टाइम कितनी जल्दी ये चेंज हो। आगे है इंस्पिरेटरी ट्रिगर, ये सेंसिटिविटी होता है कि जब पेशेंट सांस ले तो उसकी सेंसिटिविटी कितनी हो। ये हमारा एक्सपिरेटरी ट्रिगर, ये भी 3 पर सेट किया हुआ है, तो इस सेटिंग्स को नहीं छेड़ना है। ये ट्यूब लेंथ है 1.8 मीटर या 6 फीट, ये 2 तरह की ट्यूब लेंथ होती है, 6 और 10 की। तो आगे आता है एलसीडी कॉन्ट्रास्ट एडजस्ट, ये 100% किया हुआ है। कई लोगों को सोने में दिक्कत होती है तो इसकी वैल्यू को कम ज़्यादा कर सकते हैं, और ये काफ़ी यूज़फुल फीचर होता है क्योंकि आँखों में ज़्यादा ब्राइटनेस या लाइट बढ़ने से भी स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होता है, तो इसकी वैल्यू को भी घटा बढ़ा सकते हैं। आगे कंप्लेंस मीटर आ जाता है, तो इसका भी यूज़ बाईपैप को देखने के लिए होता है कि कितने आवर्स तक यूज़ हुआ है। यह फर्मवेयर वर्ज़न, और ये आपको वर्ज़न बताता है कि ये किस वर्ज़न का है। आगे सीरियल नंबर, आप यहाँ से बाईपैप का ओरिजिनल सीरियल नंबर भी देख सकते हैं। आगे एडरेंस स्कोर, स्मार्ट कोड, और ये दोबारा से शुरू हो चुका है पी। ओके, तो ये सब सेटिंग्स थी। तो चलिए गाइस, अब वो टाइम आ चुका है जिसके लिए आप वीडियो देख रहे हैं, तो फटाफट अब बाईपैप को अनलॉक कर लेते हैं। तो आपने डिले बटन और डाउन की और ये ऑन ऑफ बटन को दबाना है, और आप देख सकते हैं क्लिनिकल मोड आ चुका है, क्लिनिकल मेन्यू ऑन ऑफ टू एग्ज़िट। तो आगे ये है लैंग्वेज सेट करने के लिए, अभी तो इसकी इंग्लिश लैंग्वेज सेट की हुई है, जिसमें इसमें जितनी भी स्टोर्ड है लैंग्वेज वो सारी की सारी आप देख सकते हैं और उसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन तो यही आता है। आगे ऑपरेटिंग मोड आ जाता है, यहाँ से आप ऑपरेट कर सकते हैं आपको कौन सा मोड पर बाईपैप को चलाना है। तो अभी तो बाईलेवल एस मोड है और ये है सी पैप मोड। तो पहले आपको मैं बाईलेवल एस मोड के बारे में ही बता देता हूँ। तो ये है आई पैप, जिसे आप घटा और बढ़ा सकते हैं। ओके, तो ये है ई पैप, इसे भी आप यहाँ से घटा और बढ़ा सकते हैं। आगे डिले टाइम है, डिले टाइम को भी आप घटा बढ़ा सकते हैं यहाँ से। डिले प्रेशर आ जाता है, आई पी राउंडिंग, ई पैप राउंडिंग, देखिए यहाँ से आप हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं ऑपरेटिंग मोड पर। ओके, तो ये सेंसिटिव ट्रिगर है। ओके, तो एक्सपिरेटरी, यहाँ से प्रेशर यूनिट्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से ट्यूब की लेंथ जो 2 तरह की होती है, 10 और 6, मैंने आपको बताई थी। ओके गाइस, तो यहाँ से आप हर चीज़ को जो है वो अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से ये शुरू हो चुका है।
तो आगे हमारा आ जाता है सीपैप मोड, और इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें एक ही प्रेशर होता है, ऑफ कोर्स 16 ये सेट किया हुआ है। तो यहाँ से आप जैसा चाहें वैसा प्रेशर रख सकते हैं। तो ये ऑन ये हो चुका है सीपैप मोड पर, तो पहले इसे कर लेते हैं ऐसे अनलॉक। ओके, तो ये है सीपैप मोड पर, बाईपैप, और ये सीपैप पे आ गया। ओके, तो ये इसका प्रेशर था। ये देखिए, हर चीज़ को हम यहाँ से जो है ऑपरेट कर सकते हैं अनलॉक मोड पर जाकर। तो बाईपैप वाले फीचर तो आपको देखने को नहीं मिलेंगे इसमें, क्योंकि ऑफ कोर्स ये सीपैप मोड ही है। एक्चुअली क्या है कि सीपैप मोड पर जो बहुत कम मिलते हैं, और बाईपैप में काफ़ी कुछ ऑप्शंस होते हैं। ये सीपैप मोड है। ओके, तो इसको हमने किया अनलॉक, और ये देखिए ये है बाईपैप मोड, ऑफ किया ऑन, और जो भी आपने सिलेक्ट किया था वो देखिए। अभी यहाँ पर बाईपैप नहीं आएगा लिखा आपको, तो बस देखना ही पड़ेगा कि ये क्या है। और आपको मैंने लीक का तो बता ही दिया है कि लीक का कैसे आपको पता लगेगा लीक का। अब एक बार आप फिर देख लीजिए, मैंने अभी कॉटन लगा रखी है, और जब एयर पास होगी तो आपको कुछ ऐसी स्क्रीन की वैल्यू दिखेगी बढ़ती हुई। देखिए मैं छोड़ रहा हूँ और बढ़ा रहा हूँ, तो सारी वैल्यू जो है वो घट और बढ़ रही है। आई होप कि आप समझ चुके हैं, ये है आई पैप और ये है ई पैप। ओके, तो अब मैं आपको फटाफट बाई पैप को पेशेंट को कैसे लगाना है उसका मास्क वगैरह भी बता देता हूँ। ओके, तो चलिए अब हम अटैच कर लेते हैं। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ एक बार। ओके, तो गाइस चलिए अब मैं आपको मास्क वगैरह की सेटिंग भी बता देता हूँ करनी। तो यही ये मास्क है जो पेशेंट के मुंह पर लगता है, और ये जो ये है यहाँ पर ऑक्सीजन ट्यूबिंग लगती है। तो ऑक्सीजन ट्यूबिंग अगर आपने नहीं देखी, तो कुछ इस तरह की ऑक्सीजन ट्यूबिंग होती है, जो इसका एक पॉइंट ऑक्सीजन सिलेंडर या उसके साथ कनेक्ट होता है, और दूसरा बाईपैप के साथ कनेक्ट होता है। ओके, तो इसको बांधना कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है, बिल्कुल आसान सा ही मेथड है इसको पेशेंट को अटैच करने का और पेशेंट को लगाने का। तो आप लगा लेंगे, इतना तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ आपसे। तो जो इसका दूसरा हिस्सा है, ये इसके साथ अटैच करना है, और एयर फिल्टर का मैंने आपको बता दिया कि दूसरे तीसरे दिन इसको साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि यहीं से जो है एयर जाती है। तो ये था बाईपैप के ऊपर का वीडियो। आप आई के बटन पर क्लिक करके पिछली वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ओके, तो मैं आपसे फटाफट अगली वीडियो में मिलता हूँ। ओके, बाय, टाटा।